फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम के। गाइस हम इसके अंदर से ना हाई फाई बन के निकले हैं खाटू श्याम। तो गाइस आप देख सकते हैं हेलो गाइस वेलकम बैक माय चैनल तरीके आप लोग कैसे आप लोग खैर आलो ठीक है। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं खाटू श्याम और गाइस अचानक ही प्लान बना सारे सोरू मेरा तो मतलब कि सारे सोरू मेरी बात ही चल रही थी। मैं घर पे आया था इसे थोड़ा मिलने के लिए तो मतलब कि मैं तो पालिका बाजार गया था मेरे कुछ कपड़े लेने के लिए। तो गाइस प्लान अब बन गया अलग ही और हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए फाइनली खाटू श्याम। और सरेश भाई बस अभी ट्रेन में थोड़ी चेक वेक कर रहा है क्योंकि तो गाइस हम कुछ लेके भी नहीं जा रहे। ये सरेश भाई हमारे ये रे और काफी टाइम बाद हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं सरेश भाई। हम सारा कुछ रास्ते से मांगते हो जाएंगे। हाँ कपड़े दे दो टी शर्ट दे दो गाइस फकीर बन के ये भी है क्योंकि हम उसके वहां जा रहे हैं सबको सब कुछ दिया है तो हमने भी तो देखा और क्या। तो गाइस काफी अच्छा लग रहा है। उतार ना मैं तो उतार दिया क्या पागल है क्या मैं मुझे ले रहा है। तो गाइस काफी अच्छा लग रहा है मतलब कि हम जा रहे हैं हमारा कि अचानक ये प्लान बना काफी अच्छा फील हो रहा है मुझे मतलब कि मैं वहाँ जा रहा हूँ मतलब कि सरेश भाई की वजह से हो रहा है। हम सरेश भाई की वजह से जाएंगे जो भी है सरेश भाई ने बात छेड़ी थी इस बारे में कब से सपने देख रहा था। हाँ सपने में आया मन हुआ चल दिया। हाँ तो गाइस अब जल्दी से हम पॉज मतलब कि निकलते हैं ट्रेन पकड़नी होगी हमको पकड़नी दिल्ली कैंट से ना कि मतलब कि वहाँ से दिल्ली नहीं पुरानी दिल्ली से। अब दिक्कत यह है ना मतलब कि दो जगह ट्रेन है पुरानी दिल्ली में भी नई मतलब कि दिल्ली कैंट में भी। अब अबे दो जगह से दिखा रहा है ट्रेन का एक तो वहाँ से पुरानी दिल्ली से भी दिखा रहा है और एक क्या बोलते हैं दिल्ली कैंट से भी दिखा रहा है। तो मेरे को लगता है ना कि पुरानी दिल्ली से बंद कर दिया है उसे कर दिया दिल्ली कैंट से। हाँ अब देखते जाने के बाद ही पता चलेगा क्या। तो गाइस देखा जाएगा क्या होता है। तो फाइनली गाइस चलो भाई का बैग रेडी हो चुका है सरेश भाई रेडी हो चुकी है अंजलि बहन रेडी हो चुकी अपनी और अभी हो गई है। तो आंटी जी हमारी ये रही। तो गाइस देखो आंटी जी ने दवाई भी दे दी है और मतलब कि अगर सर में दर्द भी होगा ना झंडू बाम भी दिया है और ग्लूकोज भी दिया है देख रहे हो आंटी जी कितना ख्याल रखती है। तो आंटी जी थैंक यू आंटी जी ऐसी मम्मी सबको मिले गाइस देख रहे हो। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके घर से अब यहाँ से बस पकड़ते या तो ऑटो देखते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा ऑटो आ चुका है तो बैठते हैं ऑटो में। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन दिल्ली कैंट मेरे पीछे ये रहा सरेश भाई ने ले ली टिकट ये 360 की पड़ी गाइस टिकट। हम मैक्सिमम 1-1.5 घंटे पहले पहुंच गए हैं हम वहाँ पहुंचेंगे फिर ट्रेन पकड़ेंगे। और भाई एसी वाली टिकट है असली में है। तो गाइस एसी वाली ठंडे ठंडे में जाएंगे और गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे गर्म कपड़े क्योंकि लाए नहीं हम गाइस। और गाइस काफी मजा आने वाला और गाइस खाटू श्याम जरूर लेते ना गाइस कमेंट में ठीक है दिल से मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा आप भी बहुत आगे बढ़े गाइस दिल से प्रार्थना आपके लिए भी जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। गाइस बिना एसी वाली है सरेश भाई ने हमारा लहसुन काट दिया बहुत तगड़ा वाला देख इनकी स्माइल देखो कि मैंने एम ही बोल दिया और मैं पटी देखिए मैं चमक रहा हूँ। तो गाइस काफी वक्त लग गया मैंने क्या लेकिन जल्दी पहुंच गए क्योंकि रूट हमें खाली खाली मिला। गाइस हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 4 में। तो गाइस हम चलते हैं अंदर बदबू आ रही है टॉयलेट की अबे यहीं से आया थी ये बदबू यहाँ। तो फाइनली गाइस हम ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और काफी अच्छा लग रहा है और गर्मी भी थोड़ी बहुत अभी सर गया थोड़ा बाहर अभी आ रहा सर इसकी थोड़ा वीडियो बना के देंगे। गाइस अभी तो हम बैठे ही हैं और बोर भी हो रहे हैं मैक्सिमम ट्रेन चलेगी 12 बजे तक चलेगी। गाइस तभी तो ट्रेन खाली है बहुत ज़्यादा अभी धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हुए हैं तो मैं सोच रहा हूँ अभी तो फुल बढ़ जाएगी भाई ट्रेन अभी गाइस इसी कारण हम कहीं बाहर जा भी नहीं रहे बाहर जाएंगे तो फिर सीट मिलेगी नहीं वाली भी खिड़की वाली खासकर। गाइस थोड़ा चिप्स खा रहे हैं थोड़ी भूख लग गई थी भाई अपना ब्लॉग कर रहे हैं छोटा सा वो चिप्स खिला तो खा ही नहीं रहे अंजलि बहन यहाँ चाय पी रही है। भाई एक बात बताऊँ एक कॉफी मेरा फोन पीते हैं चाय पीते हैं अबे। तो फाइनली गाइस अब ट्रेन चलने वाली है हम 1-1.5 घंटा परेशान हो गए बैठे नहीं सरेश भाई ने बहुत इंटरटेन किया वो देखो अभी ट्रेन खिंच गई। गाइस यहाँ ट्रेन चल चुकी है गाइस फुल एंजॉय। तो गाइस मेरे सामने है IGI एयरपोर्ट देख रहे हो खड़े हुए हैं जहाज बड़े बड़े फ्लाइट्स। तो फिलहाल गाइस सभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी मैं उठ चुका हूँ तो नींद भी ढंग से पूरी हुई भी नहीं
कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम के पास, मल्की स्टेशन के पास। अभी यहाँ से मैक्सिमम 15-20 किलोमीटर है। अभी यहाँ से अगर टैक्सी करेंगे तो ऑटो करेंगे, भी देखते क्या होता है। और गाइस देखो लोगों की भीड़ देखो, यहाँ पे कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो ये सारे गाइस दर्शन के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ यहाँ पे गाय माता भी है, बैल सॉरी। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है पीछे भी और यहाँ भी, और पूरी लाइन लगी पड़ी गाड़ी की। यहाँ से भी पूरी लास्ट स्टेशन लगी हुई थी। यार भाई ब्लॉक कर रहे हैं अभी। फिलहाल गाइस अभी तो हम आए हैं फ्रेश होने के ज़रा, और ब्रस्त मैंने वहीं कर लिया था, वहाँ पानी चल रहा था। और अभी तो यहाँ रूम है, आप आ सकते हैं। तो गाइस ये हमारा रूम है, देख सकते हैं आप। इसमें मशीन भी हुआ और गद्दे भी हैं, सही है। अगर आपको पूरा रूम लेना हो 500 में मिल रहा, भाई 500 मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 500 में रूम मिल जाएगा। तो यहाँ कब मिल जाएगा 500 में रूम। और क्या करना है अभी, मैं वो जो ना बहुत तेज फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूँ। फिलहाल गाइस मैं हो चुका हूँ फ्रेश, अब गया सेलेस, फिर उसके बाद अंजलि बहन जाइए अपना नहाने धोने के लिए, फिर उसके बाद मैं भी जाऊँगा नहाने धोने के लिए। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जब हम ठहरे हैं कुछ मिनट के लिए, मतलब कि कुछ घंटे के लिए सॉरी। और पहले तो हम दिखाता हूँ कुआं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुआं है, और यहाँ ऐसे घर बने पड़े हैं ये रे, और सामने हमारे स्टेडियम है। और गाइस यहाँ पे देखो बच्चों के ट्रैक्टर, ये छोटे छोटे हैं। अगर गाइस अगर यहाँ पे खाटू शाम में आ रहे हो ना, मतलब कि कहीं कहीं जगह मतलब गाइस फ्रॉड भी हो जाते हैं, और थोड़ा आराम से आना। अगर आप भी आ रहे हो अकेले मत आना, ग्रुप में आना, अपने फ्रेंड हो दोस्तों के साथ जो भी है, या तो अपनी मम्मी पापा के साथ आ जाना। तो मन तो कर रहा है इसमें डुबकी मार लूँ, क्या नहाना फिर इसके बाद। तो गाइस अंजलि और सरस भाई नहा चुके हैं, और अब मैं जाता हूँ नहाने के लिए। तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धो के, और मैंने कपड़े भी पहन लिए आप देख सकते हैं। और एक बार बैक कैमरे से दिखाऊंगा आपको। तो गाइस जो मैं पालिका का कपड़े लाया था, ये कपड़े थे आगे, तो मैंने आपको इसी बता दिया ना कि हमारा अचानक प्लान है सरस और मेरा और अंजलि का खाटू श्याम आने का। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और सभी रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गाइस। तो उसके बाद हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है, तो पहले उससे पहले करता हूँ दर्शन। जय खाटू श्याम। तो गाइस हमारे सरस भाई फुल टूरिस्ट उस लुक में, हमने चेकआउट कर लिया महंगा वाला, मतलब कि वो भी 150 वाला, 150 वाला चेकआउट कर लिया है। हाँ ये रहा, ठीक ठाक ही था। गाइस हम इसके अंदर से ना हाई फाई बन के निकले हैं। गाइस यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं हॉकी मैच, आप देख सकते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं, और बस यहाँ पे पकड़ेंगे तो ई रिक्शा या तो टैक्सी या तो बस पकड़ेंगे, जो भी देखा जाएगा पकड़ेंगे, वहीं बैठेंगे, सॉरी बैठेंगे। हाँ चले भाई की, चले भाई कुछ भी बोलते ना वो बात अच्छी होती है। जैसे हम आज पहुँच जा रहे हैं खाटू श्याम दर्शन करने के लिए। तो फाइनली गाइस हमको ई रिक्शा मिल चुका है, तो चले अंजलि पीछे बैठे हुए और मैं आगे बैठा हूँ ये के साथ। गाइस यहाँ तो हर जगह फ्लैग ही फ्लैग मिला, देख रहे हो। और यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी है, मिठाई की दुकान है, मतलब की। और देखो फ्लैग, लास्ट में फ्लैग, फ्लैग ही फ्लैग खाटू श्याम के। जय खाटू श्याम, जरूर लिखे सब्सक्राइब करें खाटू श्याम के नाम से गाइस प्लीज़, और लाइक करें शेयर करें। गाइस सब फ्लैग लेके आप जा भी रहे हैं, दिख सकते हो। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं खाटू श्याम के पास, और सामने आपको गेट दिख रहा था, जूम थोड़ा दिख रहा था आपको मैं ये रहा। और यहाँ पे सारे फ्लैग फ्लैग हैं खाटू श्याम जी के। तो फाइनली गाइस हम खाटू श्याम के पास पहुंच गए हैं, जय खाटू श्याम। और यह है गेट खाटू श्याम जी का, अंदर जाएंगे और सारे भक्त आ चुके गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे ढोल भी बज रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी, और यहाँ पे ऊट भी गाइस, और सैलेस अंजलि ये रहे। और गाइस यहाँ पे राधे राधे लिखवाते हैं ना, वो तो मैं लिखवा नहीं रहा गाइस, मैं कोई लिखवा नहीं रहा ना सैलेस, और ना मैं लिखवा रहा ना अंजलि लिखवा रही है, तो मुझे अच्छा लग नहीं रहा इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा गाइस। और ऊँट की सवारी गाइस यहाँ पे देख रहे हो,